है। अरे भाई, पैसा हमारा और हमें ही मुफ्त की सौगात के तौर पर पेश करके वोट हासिल कर लो, क्या ये खेल चल रहा है असल में? देखिए संदीप जी, सबसे पहले आपको और सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इनफैक्ट मेरा भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में है, PIL, जिसमें मैंने इसी बात को कहा है कि कम से कम जो सरकार जो रेवड़ी या इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट ओब्लिक रेवड़ी जो आप फ्री बांटने की कोशिश करते हैं चुनावी मैनिफेस्टो से, उसको कम से कम बताइए तो सही कि इकोनॉमी पे उसका कितना असर पड़ रहा है। आपने जो सवाल उठाया कि आफ्टर ऑल रेवड़ी क्या है, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करता हूं और बाकी जो मेरे साथी लोग हैं वो उसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान के हिसाब से हमारे कुछ मिनिमम अधिकार हैं जो हर सामान्य नागरिक को मिलने चाहिए, जिसको हम बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ कह सकते हैं, जिसमें आपने खुद कहा साफ पानी, बिजली की जरूरत, शिक्षा की जरूरत, मेडिकल की जरूरत और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हर आदमी को मिलना चाहिए ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे। लेकिन समाज में दो तरह के लोग हैं, एक जो एफोर्ड कर सकते हैं और दूसरे जो एफोर्ड नहीं कर सकते। जो एफोर्ड नहीं कर सकते, ये सब चीजें अगर सरकार अपनी तरफ से देती है तो ये पार्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम है। जो तबका ये सब चीजें मिनिमम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है वो देती हैं, और जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं अगर उनको भी आप फ्री दे रहे हैं, वो रेवड़ी है। एक कहने इंटरवेंशन का करना मतलब चाहूंगा विजय भाई। देखिए, जी मैं टैक्सेस देता हूं और टैक्सेस बिल्कुल में अलग अलग जो कैटेगराइजेशन है पता भी नहीं लगता। एजुकेशन सेस भी दे रहा हूं, मैं हेल्थ सेस भी दे रहा हूं, तमाम चीजें दे रहा हूं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मैं खुलकर कह रहा हूं कि मैं अपने बेटे को भारत ही नहीं दुनिया के बेस्ट स्कूल में भेज सकता हूं, भेज भी रहा हूं। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, तबीयत खराब होगी, बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज करा सकता हूं। पर क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मुझसे टैक्स ले रही है?